किस तरह का कार्यक्रम था ये? आप लोगों ने ज्ञापन दिया, क्या पूरा मामला? देखिए, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ माननीय अखिलेश यादव जी के सिपाही और नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव धरती पुत्र के सिपाही, माननीय स्मृति शेष पंडित सिंह जी के सिपाही और हमारे जिलाध्यक्ष अरशद हुसैन के सिपाही आज 3000 मीटर लगभग 3 किलोमीटर चल के इस प्रचंड गर्मी में जिलाधिकारी के यहाँ पहुंचकर हम लोगों ने मिलकर राज्यपाल को संबोधित एक ज्ञापन राज्यपाल महोदय के नाम से जिलाधिकारी के प्रतिनिधित्व को सौंपा है। हमने उस ज्ञापन में जो मांगे की हैं उसमें सबसे बड़ी मांग हमारी विश्वविद्यालय की है। आज क्या कारण है, मैं सवाल पूछना चाहता हूँ पक्ष के नेता, सत्ता पक्ष के नेता जो बैठे हुए हैं, राज ठाकरे के विरोध में आपने इतना बड़ा आंदोलन छेड़ दिया, लेकिन क्या गोंडा के बच्चों के भविष्य के बारे में आप कभी नहीं सोचते हैं? एक जबान ना आपसे निकली ना आपके परिवार के किसी सदस्य निकली। और गोंडा जनपद के जितने भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि हैं, चाहे विधायक हो, MLC हो, जिला पंचायत के अध्यक्ष हो, चाहे सदस्य हो, चाहे ब्लॉक प्रमुख हो सकता है किसी चुनिंदा ने एक नाम किसी का हो सकता है किसी लिया हो, लेकिन आज तक किसी ने इस बारे में सांस नहीं ली है। हम आपसे कहना चाहते हैं चैनल के माध्यम से आज इस जिलाधिकारी कार्यालय में कि हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से परमिशन ले ली है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बाहर थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव लौट कर आए हैं, मैं कल उनसे मिला हूं और मैंने उनसे परमिशन ली है कि हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग और जो संगठन है जो इसके लिए आंदोलन कर रहे हैं उन सबको इकट्ठा करके हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से मिलने का प्रयास करेंगे। अगर ईश्वर ने चाहा 23 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री यहां आ रहे हैं बनारस में आने के बाद मुझे विश्वास है मुख्यमंत्री होने के नाते मैं सिर्फ मुख्यमंत्री को एक भाजपा का मुख्यमंत्री नहीं मानता हूं, पूरे प्रदेश का मुख्यमंत्री मानता हूं। और ये समझता हूं कि जिस प्रकार से सत्ता पक्ष के लोग जिन लोगों ने उनको वोट दिया उनकी जिम्मेदारी वो है, उसी तरह से जो लोग वोट नहीं दिए उनकी भी जिम्मेदारी है। और गोंडा की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा है क्योंकि यहां पर 7 के 7 विधानसभा, 2 के 2 लोकसभा, जिला पंचायत अध्यक्ष और लगभग सारे के सारे ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य, MLC, ये सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हैं। लेकिन कितनी हास्यास्पद बात है, किसी ने एक शब्द चूं तक नहीं किया। हम लोग आए दिन फेसबुक, सोशल मीडिया के माध्यम से, पत्र के माध्यम से और तमाम संगठनों के माध्यम से हम लोगों ने आवाज उठाई है। हम कहना चाहते हैं जो विश्वविद्यालय की मांग है, हमें बलरामपुर से कोई परहेज नहीं, लेकिन पहला हक अगर डोमाकल्पी में विश्वविद्यालय के लिए जमीन का निरीक्षण कराया गया था तो पहला हमारा बनता है। और देवीपाटन मंडल मुख्यालय होने के नाते देवीपाटन माँ पाटेश्वरी देवी सिर्फ बलरामपुर जनपद की माँ नहीं है, पूरे विश्व पूरे जगत की माँ है। इसलिए मांग करते हैं कि पाटेश्वरी देवी के नाम पर ही अगर विश्वविद्यालय बन रहा है तो गोंडा जनपद के मुख्यालय बनना चाहिए। इसी के साथ साथ किसानों को उनका गन्ना मूल्य का बकाया नहीं मिल रहा है, भुगतान नहीं मिल रहा है। मिल प्रबंधक, मिल के अधिकारी बहाना मारते हैं कि हमको पावर कॉर्पोरेशन पावर हाउस का जो पैसा हम लोग पावर सप्लाई करते हैं उसका पैसा सरकार ने नहीं दिया है, हमारा पैसा सरकार दबाए बैठी हुई है। अगर ऐसा है तो आप सरकार जो है वो पैसा वापस करे और किसानों को गन्ना मूल्य का भुगतान होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो आप इसको आगे आकर भुगतान कराकर और गोंडा की जनता को, आम जनमानस को रिलैक्स महसूस कराने का काम करिए, तभी हम लोग यहाँ शांत बैठने वाले हैं। विश्वविद्यालय कौन नहीं चाह रहा है कि यहाँ न? देखिए, कौन नहीं चाह रहा है, जब मैंने कह दिया कि लोकसभा दोनों, आप लोग दोनों लोकसभा का नाम बताइए, आप क्या है लोकसभा के सांसद बताइए, माननीय बिजभूषण सिंह और माननीय कीर्तिवर्धन सिंह, और गोंडा से लेकर 7 विधानसभा है, 7 विधानसभा के माननीय बावन सिंह, माननीय रामप्रसाद शास्त्री जी, माननीय अजय सिंह, माननीय प्रतीक भूषण सिंह, माननीय प्रभात वर्मा जी, माननीय बिन्नू द्विवेदी जी और माननीय प्रेमनारायण पांडे जी, उसके अलावा माननीय उदेश कुमार मंजू सिंह जी, माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष घनश्याम मिश्रा जी, सारे ब्लॉक प्रमुख, सारे जिला पंचायत के सदस्य, साथ ही साथ जिला अध्यक्ष भाजपा और अमर किशोर बम्बम, ये सब जिम्मेदार हैं। और ये आने वाले समय मुझे पता है ये सगुफा देने वाले हैं कि हम लोग गोंडा में दूसरा विश्वविद्यालय लाने वाले हैं। साथियों, किसी गफलत में बताना, आप सबको पता है कि विश्वविद्यालय कोई चना भूजा नहीं है कि चाहे जब चबा लेंगे, ये आपको बरगलाने की साजिश है और हमारा हक था और हमारा हक, हम आंदोलन करेंगे, ना मिले मिले ये ईश्वर के ऊपर है, लेकिन हम अपने आंदोलन से पीछे हटने वाले नहीं। राष्ट्रीय अध्यक्ष से क्या बात हुई आपको? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी किसी निजी कार्य से कुछ दिन के लिए बाहर थे, कल जैसे उनका आगमन हुआ मैंने उनसे समय लिया, उनको व्हाट्सएप कॉल करके उनसे पूछा, उन्होंने समय दिया, मैं उनके पास गया था, मैंने विश्वविद्यालय की बात कही कि तमाम नौजवान, तमाम छात्र छात्राएं, तमाम ऐसे संगठन हैं, वकील हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर्स हैं, व्यापारी हैं, व्यवसायी हैं, तमाम किसान हैं, तमाम बुद्धिजीवी हैं, ये सब लोग मिलकर हर चौराहे पर, हर पार्क में कोई शांति मार्च बैठे कर रहा है, कोई शांति के लिए चुपचाप बैठ कर धरना दे रहा है, कोई आंदोलन कर रहा है, इन सब की मांग जनमानस से जुड़ी हुई है। नहीं फर्क पड़ता है कि
जिले में किसने विश्वविद्यालय बनवाया, चाहे भाजपा बनवाए, चाहे सपा बनवाए, चाहे कोई पार्टी बनवाए, जिले का कल्याण होना चाहिए, इसमें हम सबको बराबर का सहयोग होना चाहिए। इससे पहले भी गोंडा में चाहे दो दो बड़े अस्पताल बनाने का काम हो, चाहे बड़ी पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेज बनाने का काम हो, चाहे शहर को खूबसूरत बनाने के लिए 4 लेन देने का काम हो, चाहे 65,000 बच्चों को लैपटॉप देने का काम हो, चाहे 80,000 माताओं बहनों को विधवा पेंशन हो, विद्या पेंशन हो, समाजवादी पेंशन देने का काम हो, चाहे 500 ग्रामों को जनरेशन मिश्र और लोहिया ग्राम देने का काम हो, चाहे ढेमुआ घाट हो, ढेमुआ घाट जैसे 56 पुल बनाकर अखिलेश यादव माननीय पंडित सिंह जी ने और सपा के नेताओं ने साबित कर दिया कि हम लोग जनता है। क्या वजह है कि आपको जनता नहीं सत्ता में ला रही है? जनता जानती है कि मैं कैसे हराया गया हूँ, मैं हारा नहीं हूँ, ये जनता जो मुझे सुन रही है सब जानती है। मैं छल कपट में पीछे रह गया एक द्वापर युग में, अब मन्नी रहे होंगे, अब मन्नी को किस तरह से हराया गया बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन आज इस युग का जो अभिमन्यु है वो सारे दांव पे खेल चुका है। सब लोग चाहे हमारे खिलाफ कितनी भी साजिश रचाएं, चाहे हमारे लिए कहें कि ये रैली में इनके लोगों ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया, मैं पूछना चाहता हूँ, एडिटेड वीडियो था, लोगों ने एडिट करके आखिरी दिन हमारे साथ खेला, हमारे पिता नहीं थे। और दूसरी तरफ दूसरे लोग जो पिता के नाम पर चुनाव जीते हैं, मात्र 3,000 वोट सूरज सिंह पाते तो आज वो धराशायी हो जाते, वो दिन दूर नहीं है, 2-3 साल और बचा है, आप देख लीजिएगा परिणाम आपके सामने आएगा। निश्चित रूप से 2024 में इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी।